उस्ताद हाँ कई दिन हो गए सुखी डंडे पेलते को मुर्गा नहीं आ लिया शुक्र काम चलेगा। अरे चेले तू चिंता मत करे पार्टी फसा रखी है समझ गया एक लेडीज का बालक ना होते oh, no. ते मैंने आड़े का एड्रेस दे रखा है पूरा मेरी सिक्स हेंथ कहन लाग रही है आते मूछ देंगे तू इतने मेरे पाद आब शाबाश ओहो हो हो देखिए उस्ताद कद एतवार वाली बन जा अर्दुन पट्टे हैं। अरे चेले मत ना याद दवावे एक हफ्ता हो लिया इंडिया के लीली तय नहीं जा लिए और बात सुने सारी दुनिया एक सीना हो इनमें मूर्ख भी हो है कोई ना कोई फंसेगा। उस्ताद आप क्या शिक्षा ना सारी अन फैल होती रहे है क्या बतम पट लिए आपकी गल में और पटवावे है जब माल आवे सब तो पहला तू बाज है मैं तो टांग खाऊंगा टांग सदा दिन एक से ना होते कोई ना कोई पार्टी आगे छोड़ दूंगा पां दबा बस फसे है। उस्ताद कोई सा काम में कर ले ना को मोटी पार्टी फस जा पटेंगे तो बड़ी आले पट लेंगे ना को दिन शांति ते गुजर जाएंगे। मेरे साले की टाइम पे यो भी धोखा देगी। अरे तू चिंता मत करे मेरे दिमाग में बहुत मोटा प्लान चल रहा है अगर वो सक्सेस हो गया ना तो फिर मौज जाए मौज चिंता मत करे तू देख ले उस्ताद यह बात तने कई बक्या ली अर्जा बब्बी को ना वही बट्टे हैं आई। अरे सारी आन मेरे प्लान फेल ना होया करते देख वो आन लाग री पार्टी पक्का हड़ा होगी तू अपनी पोजीशन ले फिर मेरा कमाल देख रख पैर नीचे अरे रुक जा न तो तड़ा तार दे सारी दे तड़वा के गिर रखी। पोजीशन ले ले फटाफट अरे अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है अरे अभी तो एक बच्चा हुआ है बाबा मूसा खान का आशीर्वाद खाली नहीं जाता बच्चों की लाइन लगा दूंगा oh, no. तुम तो बस खुशियां मनाओ खुशियां लग गए सही जगह आ गई बाबा तो बड़ा पोचा है लग गए ईब करूंगी भाई रोया के मुंह बंद। हाँ जी जी वो फोन पे आपसे ही बात हुई थी। हाँ मेरे से ही हुई थी आप समस्या बताओ। जी वो मैंने आपके अखबार में एड देखी कि आप हर समस्या का समाधान 24 घंटे में कर देते हो। बिल्कुल ठीक बात है जी आप अपनी समस्या बताओ। जी मैंने आपको वो बताया था ना फोन पे 7-8 साल मेरी शादी को हो गए पर अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अच्छा वो फोन आपका था। हाँ जी ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है ऐसी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है जो बाबा मूसा खान की शरण में आ जाता है वो खुशियाँ पाता है। आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है जो सामान मैंने मंगवाया था वो लाए हैं। जी गांव में कोई मिठाई की दुकान तो थी नहीं तो मैं बिस्कुट ही ले आई। बिस्कुट क्यों इंतकाम को न चल है ला दे लग गया है मैं इसकी बहू है याड़ा क्यों कर ये मानस भी गांव के ना लागते oh, no. कोई ना दीवार खड़ा होगा देखूं फिर बेरा लाग जगह के शीन है फिर देखेंगे करना केस है एक से जो दक्षिणा मंगवाई वो लाए हो। जी वो पैसे का इंतजाम तो हो नहीं पाया घर में एक चैन रखी थी मैं वही ले आई। अरे भाई कम से कम 5100 रुपए चाहिए हवन कराने के लिए आपको पता नहीं है कैसी विचित्र विचित्र चिड़िया आएंगी पमीरी का कान काकर की जड़ बरड़ का चोत oh, no. शेर की मूछ का बाल कितने की होगी ये 5100 से तो ज्यादा की ही है। हाँ हाँ चला लेंगे कोई बात नहीं आपका काम तो कर ही देंगे और हमारा काम ही क्या है। लो जी चलो चलाएंगे काम आपका भी।
या मेरे मालिक कर मदद, ये ले दोनों हाथों में, रात को सोने के बाद खा लेना। सोने के बाद? अरे मेरा मतलब है सब सोने के बाद। जी वो बच्चा तो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। बाबा मूसा खान पर शक मत करो, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। अब आप जाइए। ईब देखूं हूं के सांग है यो। देखा चेले, कहूं था ना मोटा हाथ मारूंगा। ताजे आज तमान ने कितनी मोटा हाथ मार दिया। कम से कम 50-60 हजार रुपये की है। ओए यो कौन लाग रहा है? देखिए उस्ताद कदे उसका घर आला हो और अपनी देह फेर टूटे। अरे कौन होता मैं? हेलो निरंजन, बच्चा कैसे आना होया? कौन हो भाई तुम? हेलो निरंजन, हम तो रमता जोगी हैं बच्चा। ये बाबा आजकल इसी होने लगे के क्या करें, मॉडर्न जमाना है। अरे यो तो सकलते चोर लग गए है। ये मेरा चेला है। शिव 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 चोर। बैठो बच्चा बैठो, तुम्हारी भी समस्या का समाधान कर देते हैं। लग गए तुम सकल तो चोर हो। और वह बीरबानी कौन थी जो आई थी? थी कोई दुखियारी, अपना दुख दूर कराने आई थी। दुख दूर कर दिया बच्चा तुम। ओहो, तुम तो दुनिया का भला करना चाहते हो, तुम्हारी अच्छाई कोई नहीं देखता। ओहो, विदेश जाने में भी बाधा है। महाराज साची में कुछ दुख दूर कर दोगे मेरा? ओहो, घर वाले भी साथ नहीं देते। शादी भी नहीं हुई आपकी? महाराज आपने कैसे पता मेरी शादी नहीं हुई? बच्चा हम बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, चेहरा देखकर बता देते हैं क्या समस्या है। हम औरों की तरह नहीं है, कपड़े पहनकर साधु बन जाते हैं। हमारा सीधा साधा बहाना है, आपकी समस्या सोल्व कर देंगे गति। महाराज मेरी शादी वादी करवा दो। बच्चा दक्षिणा देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी महाराज? 100 रुपए। महाराज 50 से पड़े हैं। 50? बच्चा तुम आदमी तो बहुत अच्छे हो लेकिन निर्धन लगते हो। तुम्हारी समस्या हम 50 रुपए में भी सॉल्व कर देंगे। ये बताओ किसकी बहू के लत तेरे उल्टे फेरे कराऊं? महाराज कोई छोरी छारी ना मिल जा? अरे छोरिया का तो पहला ही टोटा पड़ रहा है, लोग गर्म भय मार दे छोरिया ने। अपर तेरा भी करेंगे कुछ ना कुछ समाधान। तू जा। और सरक ले तू तावड़ा सा आड़े थे। ताजे रुको एक मिनट है। क्या इब ते पीछे का अच्छा जुगाड़ हो गया अपने दोरे, तो आपकी पैंट भी आ जाएगी। नहीं चल चल लकड़ी ले आड़े थे। ताजे एक बात कहनी थी आपते। ईब के करेगा? मेरे थोड़ा विश्वास बन रहा है। ईब ना ईब आया 2 मिनट में मरवाओगा। ईब तक ही जाना पड़ेगा। मरका जा। तो कितनी बार समझाइए मैंने, मोड़े के चक्कर मत पड़ा कर, फिर भी मेरी बात ना मानती। वो तो मैंने अखबार में उनकी एड देखी थी तो जाके फोन कर लिया था। फिर 1 लाख रुपए की चैन देने की क्या जरूरत थी? वो मुझे पैसे खुले नहीं मिले तो मैं चैन ही ले गई। मैंने बता किस है वो मोड़े? चल बता जल्दी कहाँ है वे? मैं तो वो वहाँ गई थी और वो वहीं पे बैठे हुए थे। चल फिर देख बता मैंने किस बैठे। वहाँ पर बैठे थे वो, पर अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। कौन रुकेगा तेरे लिए वहाँ इतनी महंगी चीज लेके? अब तो वो जा लिए। चल अब मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखा के आता हूँ। शंभू के बात है, ढीला ढीला हो रहा तू दे। ये करे जनाब,
साग पूरी खा खा दुखी हो लिए कैसी उरा की इसी ड्यूटी बंद दी। अच्छा राम राम जी। जी आप इस अखबार में ऐड आई थी डोंगी बाबा की, इससे सोने की चैन ठक्के लेंगे। इसे कैसे लूट लेंगे? घर आए थे? नहीं, मैंने उनको फोन किया था, उन्होंने मेरे को डिग्गी पे बुलाया था। अकेले गए थे कोई और साथ में गया था? नहीं, मैं अकेले ही गई थी। इतने जने थे? जी दो थे। दो थे? किसे थे वे? जी एक तो मोटा सा था, एक जमा पतला, जमा बुंडा काला। कौन सा नंबर था इनमें से, इस पे बात हुई थी? जी ये वाला। संभव मिला नंबर ये? फोन बंद कर रहा जनाब। चैन देने की क्या जरूरत थी? खुले पैसे नहीं थे तो मेरे को चैन ही देनी पड़ी। क्यों दे के आए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? 7-8 साल हो गए हैं शादी को, कोई बच्चे ही नहीं होते। फिर वो बच्चे ले रहा था? Oh, no. ना जी। पढ़ी लिखी हो? हाँ जी। फिर भी ऐसी गलती करते हो, पता नहीं ये सब ढोंगी बाबा होते हैं। आप समझाते क्यों नहीं इनको? साहब मैंने तो इन्हें बहुत समझाया मगर ये मानती नहीं। शंभु। हाँ जनाब। लिख भाई इनकी रिपोर्ट लिख, तफ्तीश करते हैं फिर। आपका नाम? महेश। और आपका नाम? हिना। फोन नंबर? 7206179536। ठीक है, करते हैं हम तफ्तीश। ठीक है, जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम आपको सूचित करते हैं। ठीक है, जाओ। जनाब यह लुगाई बड़ी तेज थी। क्यों भाई, अन्ना क्यों कर लागी? जनाब पर सरकारी सांड का मोर मार दिया गया ना, नुए क्या हाथ पर लाग रही थी। चुपचाप तफ्तीश कर ले। जनाब पुलिस वाले सक्की होया गया, सक्की नजर तो देखना चाहिए। सीधे हो लो। ओए चल मुतले कड़े ना गया स्टेशन ना पुलिस ना देख के। अरे किसने पकड़ लिया यो? जनाब ये तो गांव वाला ना पकड़ रखे थे, खेत में तो मोटर तारे थे। ना जनाब हम तो खेत के जंगल पानी होने जा रहे थे। सारा जंगल पानी तो मैं आऊंगा अड़े। भाई मोटर की कई शिकायतें आ रही है हमारे पास में, इनको जरा लंबा कर और पूछ इनसे कहां कहां से मोटर उतारी इन्होंने। जनाब जिनकी ना तारी उनकी भी बुझवा दूंगा इतने में। चलो 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 रे कुंड में चल रहे पपड़ से। मेरे साले पनोती कटवा होगा, कटवा होगा साले न करा के छोड़ आयो। प्रेम मुंह करो मुर्गे बनो दीवार के ना, और तू ए छुआ रे उल्टे काम करो। आई ओए चोरी करती ना नहीं बेरा अपराध हो है। आई ओए ओए रे मर गया रे, ओए रे मर गया। मेरे सुसरे मारे एक बार राम बदो बे। ओए रे मर गया। आई आई वापस आ पोजीशन पे, तू भी ढंग तो हो जा। ओए रे मर गया जी, मैंने कुछ ना करा क्या, मेरा तो उस्ताजी हुआ ही ना कर क्या, जो कुछ कर क्या है। फिर चोरी करोगे? जी मैंने कुछ ना करा क्या, मेरे उस्ताज ने कर क्या, जो कुछ कर क्या है। क्या कर रहा था इन्हें? जी तड़की लुकाई की चैन बीस ने लुटी थी मुझसे खान बन के। अच्छा बड़े बड़े कांड कर रहे हो जनाब, आ जाओ चैन वाला केस भी सोल हो गया। अच्छा हाँ भाई क्या कह रहा था? जनाब चैन चोरी का भी सोल हो गया। अच्छा है भाई, क्या क्या किया और तुमने?
कुछ भी ना कर रखा जी। सच सच बताओ। बोल। यो झूठ बोल रहे है जी। इनका मारे दो दो रे। काट निकालो। यो थी जी छोटी सी। छोटी या तो पूरी बड्डी है? ये तो पूरी बेल ले रहे हैं शंभू। हाँ जनाब। वो जो सुबह रिपोर्ट लिखाने आए थे उनको फोन करो एक बार, इनकी शनाख्त कराते हैं। ठीक है। फिर करेंगे इनकी कार्रवाई। अरे साले तड़किया का हुआ होगा, पकड़वा होगा, पनौती कमीन पकड़वा का छोटा। उस्ताद देखिए क्रूडेंट इतनी तेज लगे थे, मुंह आपे खुल गया। मुंह खुल गया? मुंह बड़ा खुल गया तेरा, और कुछ ना खुल गया, केला मेरा भी खुलवा दिया। जनाब आगे वे थे। जनाब फोन किया था? हाँ फोन किया था भाई, दो आदमी पकड़ रखे हैं, ठीक है, शनाख्त के लिए। शंभू ले गया उनको एक बार। खड़े हो? चलो जनाब बुलाओ है। ये है साहब। ये भाई वो चैन। हाँ जनाब ये हमारी चैन। कितने मूर्ख हो तुम लोग, इतना कीमती सामान ऐसे पाखंडियों को दे देते हो। अगर ये इतने ज्ञानी हो तो क्या ये ऐसे घूमते? आप भी समझा के रखा करो इनको, ठीक है, और आगे से ऐसे लोगों से बच के रहना। ये लो जाओ अब। शंभू। हाँ जनाब। वो डाल सेल में और इनका बढ़िया रिमांड ले। जनाब दिए थे बीब। चलो अंदर चलो, गिरे ने उड़ा। शंभू चलो। चलो आप लोग भी ऐसे पाखंडियों से सावधान रहें। अगर इनके पास ऐसी शक्तियां हों कि ये ऐसे घूमे, इसलिए ऐसे पाखंडियों से, ऐसे चोरों से, ऐसे ठगों से हमेशा बच के रहना।